हेलो, वेलकम टू एनएनएमएस एसएससी हेल्पर्स। आज शुरुआत करने जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट फोर। तीन पार्ट्स हमने पहले पढ़े हैं और उनमें काफी सारे क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। और हमने पहले पार्ट में कुछ बेसिक सा देखा था, उसके बाद सीपीएसपी एमपी का रिलेशन देखा और उसके बाद हमने कुछ और क्वेश्चंस किए थर्ड पार्ट में, ठीक है। अब आगे लेवल को थोड़ा सा और ठीक करते हुए हम पार्ट फोर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुछ और टाइप्स देखते हैं, ठीक है। और उसमें जो भी आने वाला कंसेप्ट होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो आप हमें बाकी वीडियोस के लिए विजिट कर सकते हैं एनएनएमएस एसएससी हेल्पर्स यूट्यूब चैनल को, और हमें फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, पेज हमारा है एनएनएमएस एसएससी हेल्पर्स। सो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि ए हाउस एंड ए शॉप, ठीक है। एक हाउस है, एक घर है और एक दुकान है, वर सोल्ड फॉर 1 लाख ईच, तो दोनों कितने के बिके? 1 लाख का हर एक, ठीक है। तो शॉप एक हाउस हो गया और एक हो गया शॉप, ठीक है। दोनों कितने के बिके? ये भी 1 लाख का और ये भी 1 लाख, ओके। सो इन दिस ट्रांजेक्शन, तो इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ कि हाउस सेल रिजल्टेड इन 20% लॉस। तो हाउस है ये तो 20% लॉस पर बेचा 1 लाख में, ठीक है। तो यहाँ पे तो लॉस हो गया, और दूसरी बात है कि यहाँ पे 20% प्रॉफिट में बेची शॉप, ठीक है। ये बेची 20% प्रॉफिट में 1 लाख की, और ये 20% लॉस में। द एंटायर ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन, तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमने बताया था कि जब भी सेम एसपी हो, ठीक है, क्या हो, सेम एसपी हो, सेम प्राइस पर दो चीजें बिक रही हो, ठीक है, और उनकी रेट हमें दी हो, ठीक है, तो हम उसको रिजल्टेंट रेट जो हमारा सेम एसपी है और उन पे सेम ही, एक पर लॉस हो रहा है एक पर प्रॉफिट हो रहा है, तो वहां पर जो एंटायर ट्रांजेक्शन होगा उसमें आर स्क्वेयर बाय 100 इतना परसेंट क्या होगा, लॉस होगा। ये हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ठीक है। और वैसे अगर आप करोगे तो इसमें आपको प्रोसेस के तहत 20% क्या होता है, 1/5 होता है, यानी अगर इसका हाउस का सीपी कुछ था, ठीक है, इतने में हाउस इतनी कीमत थी और उसका कितना बेच दिया कि 5 से अब 4 बेच दिया, क्योंकि ये लॉस पर है ना, ठीक है, तो 5 से 4 बेच दिया, तो इसका 4/5 हो गया 1 लाख, और इसका 6/5 हो गया शॉप का 1 लाख। तो ऐसे आप सोल्व करोगे, फिर इनसे सीपी दोनों का टोटल करोगे, एसपी हमारे पास टोटल 2 लाख है ही, ठीक है, और ट्रांजेक्शन का माइनस कर लोगे। एक तो ये है तरीका, ठीक है। लेकिन इन केस, इन पर्टिकुलर केस, जब क्या हो कि एसपी हमारे पास सेम हो, ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस जितने में बेचे विक्रय मूल्य हमारे पास अगर बराबर हो और रेट हमें दी हो इस सेम, ठीक है, कि उतना ही एक पर लॉस हो रहा है उतना ही एक पर प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको डायरेक्ट कीजिए। और ऐसे ट्रांजेक्शन में हमेशा लॉस होगा, ऐसा हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था, ठीक है। तो ऐसे केस में हमेशा लॉस ही होता है, ऑलवेज लॉस, और कितना होता है, आर स्क्वेयर बाई 100%, इतना परसेंट लॉस होता है। आर क्या है यहाँ पे, आर है हमारा जो ये रेट दिया हुआ है, यानी 20%, ठीक है, ये हमारे पास 20% रेट, मतलब जितना लॉस या प्रॉफिट, ये जो परसेंटेज होता है वो हमारे पास है आर, ठीक है, या फिर इसको आप पी स्क्वेयर बाई 100 कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है। तो मैं आर रेट बोल रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे तो आर स्क्वेयर बाई 100, तो यहाँ पे कितनी है, ये 20 है, तो 20 का स्क्वेयर 400/100, तो मतलब यहाँ पे एंटायर ट्रांजेक्शन में कितना परसेंट लॉस होगा, 4%। अब देखो, अब हमसे हो सकता है कि रुपए पूछे जाए, ठीक है, तो रुपए, अब हमने परसेंटेज तो डायरेक्ट बता दिया, ठीक है, रुपए बताने के लिए क्या करेंगे, तो हमने परसेंटेज तो निकाल लिया डायरेक्ट कि आर स्क्वेयर बाई 100 किस केस में, जब एसपी सेम हो और उतना ही दो चीजों का एसपी सेम हो और एक पर उतना ही प्रॉफिट हो रहा हो, एक पे उतना ही परसेंटेज लॉस हो रहा हो, ठीक है, तो आर स्क्वायर बाय 100 से हमने 4% लॉस निकाल लिया था, ठीक है। अब ये बात देखो कि 1 लाख का ये बिका, 1 लाख का ये, 1 लाख का हाउस यानी घर, 1 लाख का शॉप, तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास 2 लाख हो गया, कि यानी 2 लाख में दोनों चीजें बेची, ठीक है, और पूरे ट्रांजेक्शन में 4% लॉस हुआ, तो अगर टोटल हमारा सीपी यानी टोटल जो उनकी कीमत थी हाउस और शॉप की वो कितनी हुई, वो उसका 96%, क्योंकि 4% तो लॉस हो गया, बच गया कितना, 96, तो उसका 96% हमारे पास क्या आया, 2 लाख। इस बात को समझ रहे हो, ठीक है, इस बात में क्या किया मैंने,
कि 4% तो लॉस हो गया कि 100 की चीज उसने 96 में बेच दी, तो अगर ये 100 की थी तो 96 में बेच दी, मतलब समझ रहे हो कि जो टोटल उसका सीपी था उसका 96% कितना होगा, 2 लाख, जो कि यहाँ पे टोटल एसपी है, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस है 1+1, 2 लाख में दोनों बिक रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीपी आ जाएगा हमारे पास, जो टोटल सीपी आएगा वो क्या होगा, ये कितना आ गया 24/25, 2 से 12, यानी सीपी हमारे पास आ गया 25/12, ठीक है। तो 25/12 में हमने खरीदी, 25/12 में तो वो टोटल उसकी कीमत थी, ठीक है, और 2 लाख में उसको बेच दिया, तो यहाँ पे लॉस है, कितना लॉस हुआ, खरीदी और उसमें से कितने की बेची वो माइनस कर दो, तो यानी 1/12 लाख का क्या हो गया यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। ये 25/12 लाख उन दोनों की टोटल कीमत थी, ठीक है, हाउस और शॉप की, घर और दुकान की, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/12 लाख। तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन में ये सीधा R²/100 अप्लाई करो, और जितना परसेंट, अगर हमें परसेंटेज पूछा हो तो ये 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं था, आप 2 सेकंड में जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के केसेस को आप हैंडल इजीली कर सकते हो, ठीक है, और ये काफी बार पूछे भी जाते हैं SSC जैसे एग्जाम्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए मैन सेल्स 2 chairs at 120 each एंड बाय डूइंग सो गेन 20। अब फिर वही बात कि 2 चेयर है, ठीक है, 2 चेयर है, एक पर 25% प्रॉफिट, एक पे 25% लॉस, ठीक है, 25% लॉस। तो मैंने क्या बताया कि जो होल ट्रांजैक्शन होगा, अब 120 की एक है तो दोनों कितने की हो गई, 240 की, तो हमारे पास जो टोटल एसपी हो गया वो कितना हो गया, 240 हो गया। अब टोटल सीपी कैसे निकालें, तो पहले तो हम कितना परसेंट यहाँ पे, पहली बात तो सेम एसपी और सेम रेट, ठीक है, तो क्या होगा R²/100 में हमारा लॉस होगा, ठीक है। तो यानी 25 का स्क्वायर 625/100, तो अगर हमसे केवल लॉस परसेंट पूछा हो तो हमारे पास डायरेक्ट आ जाता है 6.2%, ठीक है। लेकिन अगर इन रुपीज पूछा है, ठीक है, रुपीज पूछा है, तो 100 का की चीज थी वो 6.25 माइनस हो जाएगी, यानी जो टोटल सीपी था जैसा कि पीछे किया था उसका 93.75, 100 में से माइनस कर दो इसको, इतना परसेंट क्या होगा, 240 होगा जो टोटल एसपी है, ठीक है, यही हमने पीछे किया था। तो इसको अब 100 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसके भी 2 पॉइंट आएंगे तो पॉइंट हटा के यहाँ पे 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है। अब इनको काट लो आप, 5 से 5 एकम 5, 5 4 5 8 40, 5 7 35 और 5, ठीक है, 5 चौके 20, 5 8 40, 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर 25 से घट रह गया, ये 25 7 175, तो कितना हुआ 12, 25 5 125, तो 25 से 1, ठीक है, कितना आया 23, 25 से 1 23 आया, 25 निमे 225, अब 5 फिर 2, फिर हमारे पास कितना आ गया, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब फिर से काट लेते हैं इसको, 25 से फिर कट जाएगा क्या, 25 7 175, कितने बचे हैं 15 2 17, तो 25 6 150 और 25 8 200, तो 25 से 3, अब 3 से कट रह गया, ये 3 2 6 6 8 14 7 21, तो कटेगा 3 2 6 और 3 5 15 और 3 6 18, तो हमारे पास जो टोटल एसपी आया वो सीपी आया वो कितना आया कि 256 की चीज थी और कितने में बिक गई, 240 में, तो लॉस कितने का हो गया, 16 रुपए का, और यही हमसे पूछा गया था, ठीक है। तो आप ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, जब सेम रेट सेम एसपी, ठीक है, अदरवाइज अगर अलग अलग एसपी है तो हमें थोड़ा डिटेल से करना होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, ए शॉपकीपर सेल्स 2 टेलीविजन एट द सेम प्राइस, तो सेम प्राइस पर 2 टेलीविजन बेच रहा है, 2 टेलीविजन, एक टीवी दूसरा टीवी, TV1 TV2, ठीक है, तो दोनों को सेम प्राइस पर बेच रहा है, अभी ये नहीं बताया कि कितना प्राइस है, ठीक है। सो देयर इज अ गेन ऑफ 20% ऑन 1 टेलीविजन, तो एक पर 20% लाभ, ठीक है, और दूसरे पर क्या दिया, लॉस, ठीक है, तो 20% माइनस, ठीक है, यानी 20% यहाँ पे तो लॉस हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो ये तो हमने किया है कि सेम एसपी सेम रेट
देन व्हाट इज द लॉस परसेंट, तो हानि प्रतिशत क्या होगी? प्रॉफिट तो होगा ही नहीं इस केस में, हमेशा लॉस होगा, ठीक है। ये आप अपने आप डिटेल में करके देख सकते हैं, या फिर हमने पिछले पार्ट थ्री में जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें इसको डिटेल से किया था कि ये क्यों आर स्क्वायर क्यों हमेशा लॉस होता है, ठीक है। तो ये हमने उस पार्ट में डिटेल से किया था, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों ऐसा होता है, तो या तो आप खुद कर लीजिए या फिर उस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। सो लॉस परसेंट इज आर स्क्वायर बाई 100, तो मतलब पीछे क्या था, आर कितना 20, 400 बाई 100, यानी 4% क्या हुआ, लॉस परसेंट हुआ, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है, ऐसा हमने पीछे भी किया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए पर्सन सेल्स ए टेबल एट प्रॉफिट ऑफ 10%, तो कोई बंदा है वो टेबल को क्या बेचता है, टेबल 10% प्रॉफिट बेचता है, ठीक है। इफ ही हैड बोट 5% लेस कॉस्ट, तो देखो टेबल है, मान ली मैंने 100 रुपए की है, ठीक है, इससे हमें आसानी रहती है 100 रुपए की मान के, क्योंकि अगर आप एक्स वाई से करोगे तो आपको टाइम काफी लगेगा, ठीक है, वो तो बेसिक मेथड हो गया, ठीक है, लेकिन हमें टाइम सेव करना होता है तो इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि 100 रुपए में हमने टेबल खरीदी, तो वो बेचेगा कितने की, 110 की, पहली स्टेटमेंट के हिसाब से, सेल से टेबल एट प्रॉफिट ऑफ 10%। अब इसने बोला कि अगर वो 5% कम में खरीदता, तो यानी 5% कम मतलब 95 की खरीदता, 100 पे 5 कम तो -5 ही हो जाएगा, 95 की, यानी 95 की अगर खरीदता और 80 ज्यादा की बेचता, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप इस स्टेटमेंट को स्किप करके ये देखिए कि तब वो कितना प्रॉफिट कमा रहा होता, 20%, तो अब वो इसका 20% कमाएगा, ठीक है, इतने में खरीदेगा तो इसी पे 20% लेगा ना, तो इसका 20% 1/5 यानी 19 जोड़ दो, तो ये अब कितने में बेचेगा, 114, इसमें 19 जोड़ दिया हमने, इसका 20% जो फायदा होगा। अब क्या बोलता है कि एंड सोल्ड फॉर 80 मोर, ठीक है, तो सीपी का तो हमें ये बता दिया कि 5% लेस है, इसका हमें ये पता, इस जो पहली कंडीशन थी 10% ज्यादा और दूसरी कंडीशन थी कि 20% फायदा, और इस सबसे क्या हुआ कि वो बोलता है कि 80 रुपए ज्यादा कमाता है, ठीक है, यहाँ पे कितना कमा रहा है, 4, तो हम क्या बोलेंगे कि 4 यूनिट जो हमारी है वो क्या है, 80 के बराबर, 1 यूनिट आ गई 20 के बराबर डिवाइडेड बाई 4, और हमने कितना माना था, 100 यूनिट माना था कॉस्ट प्राइस टेबल का, टेबल का कॉस्ट प्राइस हमने यही माना था 100, ठीक है, तो हमने 100 यूनिट माना था, तो 100 की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे 2000, तो क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य यहाँ पे क्या आ जाएगा टेबल का, 2000 रुपए, ओके। सो केवल इतना ध्यान रखो, पहली कंडीशन 100 से 110, फिर सीपी को लेस कर दो जितना परसेंट बोल रहा है, ठीक है। अब कितना मोर दिया है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, हमारे सिचुएशन के हिसाब से फिर हम इस पर अगर 20% कमाते हैं तो 114 का बैठता है ये, ठीक है, इससे 4 का डिफरेंस आता है, लेकिन ये बोलता है कि 80 का डिफरेंस हो, ठीक है, तो अब इसको कंपेयर कर दो कि 4 = 80 तो 1 = 20 तो 100 = 2000, ठीक है, तो हमारा प्राइस क्या हो गया, 2000 रुपए, ठीक है। सो दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ए शॉपकीपर सेल्स, जो पिछला क्वेश्चन था उस टाइप के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एसएससी के एग्जाम्स में, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। सो ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 12.5%, तो जो शॉपकीपर है ये आर्टिकल है यानी 100 की चीज है, उसको कम में बेचता है यानी 88.5 में बेचता है, ठीक है। हैड ही सोल्ड फॉर इतना मोर, कितना मोर, इतना, तो मोर वाले टर्म को हम बाद में देखेंगे, तो इतने ज्यादा में बेचता तो वो कितने कमा लेता, वो कमा लेता 6%, ही वुड हैव गेन्ड 6%, तो 6% वो कमा लेता, कितना कर लेता, 100 से 106 कर लेता, तो इससे क्या मिला हमें कि फर्क कितना है इसमें, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, इसमें एसपी का डिफरेंस हमें दिया है, ठीक है, सीपी को इसने कोई लेस नहीं किया यहाँ पे, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में सीपी को भी लेस किया था, तो यहाँ पे 100 अगर हम 100 यूनिट अगर सीपी मान रहे हैं तो पहली कंडीशन के हिसाब से तो 88.5 का बिकना चाहिए, लेकिन फिर बोलता है कि अगर इतना ज्यादा रुपए का बेचे तो इतना परसेंट, तो इतना परसेंट अगर कमाएगा तो 106 का बिकेगा। अब हमारे हिसाब से ये कितना ज्यादा का बेच रहा है, 18.5, 12.5 ये और 6 ये, तो 18.5,
ठीक है, इतना ज्यादा बेच रहा है तो 18.5 यूनिट हमारी किसके बराबर है, 51.80 के बराबर। एक यूनिट हमारी किसके बराबर होगी, 51.80 अपॉन 18.5, ठीक है। और हमसे पूछा क्या है कि हमें पूछा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस क्या माना था, 100, तो इनटू में 100, तो ये 00 से हटा देंगे ये पॉइंट, ठीक है। तो इसको काट लो आप, जीरो ऊपर गया, 5 से 3, 5 से 3, 5 7 35, तो 5 से 1 3, 5 6 30, 5 1 5, 5 3 15, 5 6 30 और 0, ठीक है। अब कितना आएगा, सॉरी ये बीच में 0 छूट गया, यहाँ पे 10360, 5 1 5, फिर 0, 5 3 15, फिर ये, ठीक है। अब ये कितने पे कट गया, 37 से 37 दोना 74, तो 26 और 3 29, 296 कितने पे गया, 8 पे, तो 280, तो 100 बराबर किसके आ गया, 280, तो कॉस्ट प्राइस भी हमारा क्या हो गया, 280 रुपए, ठीक है। ये हमारा आंसर है। तो ऐसे ही हमने पिछला क्वेश्चन किया था, उसमें सीपी को भी चेंज किया था, ठीक है, वो ज्यादा बेटर क्वेश्चन था इससे, ठीक है, ये उससे इजियर क्वेश्चन है, इसमें केवल एसपी में चेंज किया है, उसमें सीपी और एसपी दोनों में चेंज किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए गर्ल वॉन्ट्स टू सेल ए वॉच एट प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है। तो कोई लड़की है जो कि उसने मान लिया वॉच कितने में खरीदी, 100 में, तो बेचना कितने में चाहती है, 120 में, क्योंकि 20% बेनिफिट लेना चाहती है, यानी लाभ लेना चाहती है। सी बोट इट एट 10% लेस, अब सीपी में चेंज दे दिया हमें कि अगर इसने इसको 90 में खरीदा होता, 10% कम कितना होगा, 10% हमारा कम होगा तो 90, तो अब हमारा नया क्रय मूल्य क्या आ गया, 90 आ गया, ठीक है। एंड सोल्ड इट फॉर 30 लेस, अब 30 लेस, तो लेस मोर वाली टर्म को आप स्किप कीजिए, आगे जो हमें गेन या लॉस दिया है उसको देखिए। बट सी स्टिल गेन 20%, तो अब इसका 20% कितना होगा, अब इस पे तो गेन करेगा क्योंकि नया सीपी, तो इसी पे गेन होगा, यहां पे इसका गेन यहां पे हो रहा था इस सीपी का, तो ये हमारे पास आ गया 18, तो यानी अब वो कितने का बेचे, 108 का। अब बोलता है कि 30 लेस, तो यहां पे कितना लेस, पहले 120 का, अब 108 का, तो 12 लेस, ठीक है। तो 12 यूनिट बराबर 30, एक यूनिट बराबर 30/12, और हमें चाहिए क्या कि कितने में उसने खरीदी थी, यानी 100 यूनिट में हमने माना था कि इतने में खरीदी थी, तो 100 बराबर गुणा में 100, तो 3 से 4, 3 से 10, 4 से 25, तो हमारे पास कितने में खरीदी थी उसने, 250 रुपए में खरीदी थी, ठीक है, 250 रुपए में। तो क्रय मूल्य क्या आ गया उस घड़ी का, वो हमारे पास आ गया 250 रुपए, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बहुत बार रिपीट होते हैं इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, ए बुक सेलर सेल्स ए बुक एट 10% प्रॉफिट, तो 100 से 110, 100 की बुक बेचेगा कितने में, 110 में, क्योंकि 10% प्रॉफिट बोला है, ठीक है। तो इफ ही हैड बॉट इट फॉर 4% लेस, तो फिर से सीपी में चेंज दिया, तो कितने की खरीदी, 96 की। न्यू सीपी क्या है, न्यू सीपी हमारे पास है 96, ओल्ड सीपी जो ओरिजिनल सीपी था वो कितना था, 100 हमने माना था। अब बोलता है कि एंड सोल्ड इट फॉर 6 मोर, तो मोर या लेस किस टर्म को स्किप कीजिए, आगे का क्वेश्चन देखिए। एंड हैव गेन्ड 18 3/4%, तो इसका 18 3/4% निकालना है हमें, तो 18 3/4% कितना होता है, 18 4 72 और 3 + 3 75, 75% का साइन हटा के 400, तो 25 से 3, 25 से कितना है, 25 1 25 6, यानी अब वो कितने का बेचेगा, 16 की चीज को 19 में, ठीक है। तो यानी इसका 3/16 में निकालूं तो 6 यानी 18 का उसको क्या होगा, बेनिफिट होगा यहाँ पे, ठीक है, 18 से 3/4 से 18 का बेनिफिट होगा, तो 96 में आप प्लस 18 कर दीजिए, क्या आ गया, 104, ठीक है, सॉरी 114, 114। अब बोला है कि 6 मोर में, लेकिन हमारे हिसाब से कितने मोर में, 4 ज्यादा में बेच रहे हैं, ठीक है, तो 4 ज्यादा में बेच रहा है, तो 4 यूनिट बराबर 6, 1 यूनिट बराबर 6/4, और पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना ही था, तो 100 बराबर ये देख लो अब 25 25 सिक्के 150,
तो 150 रुपए क्या थी उस बुक की कीमत थी ओरिजिनल। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं इसको फिर से बताऊं कि ये सीपी हम मानते हैं, पहली कंडीशन लगाते हैं कि इतना फायदा या लॉस जो भी देगा वो, ठीक है, उसके बाद न्यू सीपी की कंडीशन, नया हमारे पास क्रय मूल्य आया और उस पर जो भी लाभ या हानि बताया वो आप फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना आ गया। अब जितना ज्यादा या कम दिया है उसको आप कंपेयर कर लो, ठीक है, और उससे हमारे पास क्या आएगा, चाहे वो आपसे न्यू सीपी पूछे, चाहे वो बेनिफिट वाला पूछे, चाहे ये न्यू एसपी पूछे, चाहे पहले का सीपी पूछे, कोई भी टर्म पूछे, आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एन इंक्रीज ऑफ 20% इन प्राइस ऑफ मैंगोज, तो अब आम की कीमत बढ़ गई। 20% क्या होता है, 1/5, क्योंकि 20/100, ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन क्या हुआ हमारे पास, 1/5। इनेबल्स ए मैन टू परचेज, तो मतलब क्या हुआ कि 5 से अब 1 बढ़ गया, 5 पर ₹1 बढ़ गया, तो मतलब अगर पहले 5x प्राइस था तो अब 6x प्राइस हो गया, या फिर 5 to 6 हो गया। ठीक है, तो ओल्ड प्राइस था ये न्यू प्राइस हो गया, ठीक है, मैंगोज का। ठीक है, इनेबल्स दिस ओके। सो अब बोलता है कि इनेबल्स, तो इस इंसान को, उस बंदे को 4 आम ज्यादा कम मिलते हैं 40 रुपए में, तो जब वो इस भाव से लेता था तो 40 रुपए में कुछ आम मिलते थे, अब क्या हुआ कि कीमत बढ़ गई और कीमत कितनी हो गई, 6x हो गई, तो क्या करेगा कि उसको 4 कम आम मिल पा रहे हैं। ठीक है, पहले जितने मिल रहे थे उससे 4 कम मिल रहे हैं, तो अब पूछ रहा है कि 15 मैंगोज का हमें कीमत बताओ। ठीक है, तो हम देखो, आप बिल्कुल स्टेटमेंट के हिसाब से चलिए, 40 रुपए में 5x के हिसाब से कितने मैंगो आएंगे, जितने आएंगे वो इतने आएंगे। देखो 40 रुपए में कुछ मैंगो आते हैं भाई, 100 रुपए की चीज है, 10 के हिसाब से कितनी आएगी, तो 100/10 यानी 10 आएंगी, तो वैसे ही यहां पे कर रहा हूं मैं, तो 40 रुपए में 5x के हिसाब से इतनी चीजें आएंगी, और 40 रुपए में 6x के हिसाब से इतनी चीजें आएंगी। ठीक है, नई कीमत ये है, पुरानी कीमत ये है, ठीक है, और इन दोनों में अंतर कितना दिया है कि 4 का, इससे इतने आम मिले, इससे इतने आम मिले, और दोनों का डिफरेंस क्या है, 4। ठीक है, तो अब 40 यहां से कॉमन ले लिया, 1/5x माइनस 1/6x बराबर 4। ठीक है, 4 से काट दो 10। ठीक है, अब यहां पे सोल्व कर रहा हूं मैं कि कितना था 10, नीचे मैं एलसीएम ले लिया, तो यहां पे हमारे पास एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा यहाँ पे 1/30x, इसको आप सोल्व कर लेना, 1/5x / 1/6x, ठीक है, डिफरेंस 1 है तो 1/30x, ठीक है, बराबर कितना था, 1 था, इससे कितना कट गया, 0 से 0, x को ऊपर लेके गए तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, 1/3। ठीक है, तो x हमारे पास क्या आ गया, 1/3, लेकिन प्राइस हमारे पास क्या था ओरिजिनल, वो था 5x, तो जो ओरिजिनल प्राइस था एक आम का कितना था, 5x, यानी x की कितनी, 5 × 1/3, तो 5/3 ओरिजिनल था, पूछा कितने का है, 15 का, तो 15 × 5/3, 3 × 5 = 15, तो 15 आम की कितनी प्राइस होगी, 25 रुपए। ठीक है, तो केवल इसमें एक स्टेटमेंट आपके पास, बाकी इस सवाल में कोई अलग से लॉजिक नहीं है। ठीक है, इसमें केवल इतना है, 40 रुपए के हिसाब से, 5x के हिसाब से 40 रुपए में इतने आम खरीदे, 40 रुपए में ही 6x के हिसाब से इतने खरीदे, और दोनों में जो फर्क था वो 4 आम का था, बस इसको सोल्व कर लिया, x हमारे पास आ गया, उससे ओल्ड प्राइस आ गया, बिल्कुल सिंपल है, और 15 का पूछो चाहे 50 का पूछो, आपका यही मेथड है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल आसान था ये, सॉरी, आज के लिए हमारा इतना ही, और बाकी हम आगे के पार्ट्स में कवर करेंगे, वी विल कवर द प्रॉफिट एंड लॉस इन मिनिमम 10 पार्ट्स, तो कम से कम हम इसके 10 पार्ट करने वाले हैं, और आप बाकी वीडियोस के लिए बने रहिए NNMS SSC Helpers के साथ, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं यूट्यूब पर। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड, वर्क हार्ड, थैंक यू।